तो क्या हाल है लौंडो, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुफाड़ के बारे में। तो मुफाड़ का जो गाना आने वाला था धम धम, वो 12 तारीख को उसको रिलीज करने वाले हैं। उसको लेकर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एक क्लिप भी डाली है और जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये आ रही है श्लोका की ओर से। श्लोका का जो है कजरा गाना वो कल ड्रॉप होने वाला है, तो आप उसको कल जाके सुन सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। ये है लोका की तरफ से। लोका का जो गाना आने वाला था रापचिक, वो उनका कल आने वाला है 12 तारीख को, तो आप कल इसको भी देख सकते हैं क्योंकि कल बहुत गाने आने वाले हैं, तो उसी के बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये अपडेट आ रही है सारूल की ओर से। सारूल का जो है गाना खरा सोना, वो भी कल ड्रॉप होने वाला 12 तारीख को, तो आप उसको भी जाके एक बार सुन सकते हैं। तो ये अपडेट आ रही है बाली की ओर से। तो बाली ने भी अपनी ईपी अनाउंस करी है और ईपी का उन्होंने इंट्रो जो है पहले ही निकाल दिया, और उनकी जो ईपी है उसकी लिस्ट भी उन्होंने अपनी निकाल दी है कल। तो उनकी ईपी जो है कुछ इस टाइप से, मैं आपको भी पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि भाई बाली के गाने और ईपी वो तो आपको ही पता है किस टाइप से हो सकती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ उनके ईपी के नाम। तो बाली की जो ईपी आ रही है वो है मुबारक हो बाली हुआ है, इस नाम से है, और उन्होंने इंट्रो जो है वो निकाल दिया, ड्रॉप कर दिया मतलब पहले ही। और उनकी जो हट हट करके एक दूसरा ईपी है, एंड तीसरे अबे चुप, और चौथा ऐसा क्या बोला, पांचवा वाओ, छठा ओए है, और सातवा जो है आउट्रो। तो इनका जो है सेकंड जो है गाना, ये ट्रैक जो है हट हट, ये इनका कल ड्रॉप हो रहा है, तो आप इसको भी सुन सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। ये अपडेट आ रही है डीनो जेम्स की तरफ से। तो डीनो जेम्स ने भी एक स्टोरी शेयर करी है जिसमें लिखा है उन्होंने बिग शूट, आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो शायद कुछ बड़ा आने वाला डीनो जेम्स की ओर से। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये अपडेट है सिकंदर खालून की ओर से। तो सिकंदर खालून और हर्जस का आज एक गाना ड्रॉप हुआ जिसका नाम था फर्स्ट डे स्कूल, तो आप उसको जाके सुन सकते हैं। और सिकंदर खालून ने एक स्टोरी भी पोस्ट करी है जिसमें बहुत सी उनकी पलटन है, उनके लोग हैं, पलटन लोग हैं उनकी जो शूट कर रही है कुछ, तो आप देख सकते हैं उस स्टोरी को। चलिए मैं आपको वो स्टोरी आपको दिखा देता हूँ। बड़ू 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 गैंगलैंड गैंगलैंड। तो आप लोगों ने देख ली होगी सिकंदर खालून की ये स्टोरी, तो कुछ ना कुछ आने वाला है अलग, बड़ा आने वाला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये अपडेट है रफ्तार की ओर से। रफ्तार ने एक स्टोरी शेयर करी है जिसमें कृष्णा भी है और रफ्तार भी है साथ में, एंड एक और स्टोरी उन्होंने शेयर करी है जिसमें यूनान म्यूजिक भी है। तो इनका जो है कलमकार का पूरी फैमिली का कुछ ना कुछ चल रहा है और कुछ ड्रॉप करने वाले हैं ये खतरनाक, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये अपडेट आ रही है रागा की ओर से। तो रागा का जो है जंगली कुत्ता करके एक गाना है, वो कल ड्रॉप होगा 12 तारीख को। 12 तारीख को कितने गाने आ रहे हैं भाई, अलग ही लेवल के। तो कल ये ड्रॉप होगा। और कल रागा ने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें सैनिटाइजर करके एक गाना था जो कि प्रीमियर में लगा हुआ था, तो ये गाना आ चुका है आज। तो ये गाना आया है लुक्का और मैनिस्टन का, तो आप जाके इसको भी सुन सकते हैं। सैनिटाइजर नाम है, अलग ही है भाई, बिल्कुल कोरोना की तरह, कोरोना की बातें समझ लो, हाथ धोना, हाथ साफ करना, एक बार आप इसको जाके चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, काफी हद तक सही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये अपडेट आ रही है फ्लैग स्टार की ओर से। फ्लैग स्टार ने अपना एक गाना ड्रॉप किया है जिसको आप जाके एक बार सुन सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है, मुझे भी बंदे ने भेजा है और मैंने सुना है भाई, बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये अपडेट है जन्नत जुबेर की ओर से। तो उनका एक गाना आने वाला था कैरम की रानी, जिसको उन्होंने कोई बताया नहीं था कि कब आने वाला है, कब नहीं आने वाला। तो जन्नत जुबेर ने एक स्टोरी शेयर करी और उसमें बताया कि 15 फेब को उनका गाना ड्रॉप होने वाला है। तो चलिए आप पहले जन्नत जुबेर की उस स्टोरी को देखिए। गाइज, मेरा नया गाना कैरम की रानी 15th of February को आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप लोग वो गाना देखें और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, बिकॉज इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स एंड तो आप लोगों ने देख लिया होगा जन्नत जुबेर की ये स्टोरी। तो जन्नत जुबेर और फैजू का गाना आने वाला है कैरम की रानी, तो 15 फेब का वेट करिए, उस दिन ये ड्रॉप होने वाला, तो आप सुन भी सकते हैं उस दिन। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये अपडेट है किंग की ओर से। किंग का जो गाना था पिसाको, उन्होंने वो ड्रॉप कर दिया था कल, और अभी के टाइम पे आप यूट्यूब सेक्शन में जाएंगे, ट्रेंडिंग सेक्शन में, तो आपको ये 13 नंबर पे ट्रेंड मारता हुआ भी दिखेगा। और किंग की तरफ से एक स्टोरी और आ रही है कि वो नोएडा में लॉजिक मॉल में आ रहे हैं, और कब आ रहे हैं वो उन्हीं की जुबानी आप सुन सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो स्टोरी दिखा। What's up everybody? This side King, और मैं आ रहा हूँ 13 फरवरी को Logic Mall Noida. Imperfecto is gonna be the place where we gonna do our shutdown, and it's gonna be King's Valentine's Eve, and I hope to see you guys there for my first live performance of 2021. And for the passes, you guys can contact on the numbers given below. So get your shoes and champagnes ready, 'cause this time we gonna shut it down, baby.
तो आप लोगों ने देख ली होगी किंग की वो स्टोरी। तो आप लोग दिल्ली या आसपास कहीं रहते हैं तो आप एक बार जाके ये पासेस वगैरह बुक कर सकते हैं और नोएडा में लॉजिक्स मॉल में आप किंग को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट को। तो ये अपडेट है कर्मा की ओर से। कर्मा ने भी एक स्टोरी शेयर करी है, वो कुछ इस टाइप से स्टोरी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो शायद कुछ आने वाला है, अलग ही आने वाला है। क्या आने वाला है आई डोंट नो, बट आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये अपडेट आ रही है जयंत पाजी की ओर से। जयंत पाजी का जो है केमब्रो गाना जो रिलीज होने वाला था वो आज उन्होंने ड्रॉप कर दिया, तो आप इसको जाके एक बार सुन सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये अपडेट आ रही है बेला की ओर से। तो बेला ने एक स्टोरी लगाई है, उनका जो है नेक्स्ट ट्रैक जो है दूसरा, पहला तो जो एस्ट्रो वर्ल्ड था वो तो निकल गया, एंड दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है 20 तारीख को, और जिसका नाम है द रियोट। फिर बेला ने और भी स्टोरी लगाई है, तो चलिए मैं आपको वो पढ़ के बताता हूँ उन्होंने क्या क्या लगाया है। बेला ने लिखा है वन डे 50K ऑफ एस्ट्रो वर्ल्ड बिग सक्सेस राइड अनफॉलोइंग एवरीवन, इतने से सपोर्ट को भी अपनी समझ जाओ कहाँ डाल लो, सीधी बात बोली है। और भाई जब बंदा कोई ईपी ड्रॉप कर रहा है और उसको रिस्पांस भी इतना घटिया मिलेगा तो क्या नहीं होगा। और दूसरी भी स्टोरी शेयर करी, उसमें लिखा है तू खोने लगा है तो खोने दे, तेरे पीछे पूरी दुनिया को रोने दे। तो भाई बेला आई थिंक लग रहे हैं मुझे थोड़े बड़के से ऑडियंस से, क्योंकि भाई उन्होंने अपनी ईपी का फर्स्ट ट्रैक ड्रॉप किया था और उस पे अच्छा रिस्पांस नहीं दिखा। तो आने वाला है एक और ट्रैक उनका 20 तारीख को, तो उस पे भाई रिस्पांस दिखा देना। तो आज की अपडेट यहीं खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जो करना है वो कर दीजिए। तो कल फिर हाजिर होते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।